बिकॉज आज आई थिंक बहुत सारे लोगों ने पक्षियों के अराउंड, नेचर के अराउंड बहुत सारी स्टोरी सुनाई, तो मुझे भी एक स्टोरी याद है जो वन ऑफ माई फेवरेट्स है. मुझे ये स्टोरी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये एक कौवे और एक स्वान की, एक एक बत्तख होते हैं, हंस, एक कौवे और एक हंस की कहानी है. कौवे और हंस में बहुत सारी कहानियाँ बनी हैं और बहुत सारे मुहावरे भी बने हैं. कौवे और हंस को हमेशा ऑपोजिट वर्ड्स की तरह यूज किया जाता है, तो ये कहानी भी कुछ बहुत अलग नहीं है. लेकिन हाँ, देखते हैं कि आप इस कहानी को कैसे देते हैं. मैं ये कहानी पूरी सुनाऊंगी, लेकिन इस कहानी का जो एंड है वो आप बनाएंगे. एंड वो आपका अपना अपना एंड होगा, उसमें कोई वो नहीं है कि एक एंड आपको बनाना ही है, कुछ भी एंड हो सकता है. तो चलिए, ये कहानी है कौवे की. एक कौवा जो हमेशा अकेला रहता था, जहाँ जाना हो, जो करना हो, खाना खाना हो, रहना हो, सब कुछ अकेला करता था. खैर, उसे अकेला रहना क्यों पसंद था ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन हाँ, वो हमेशा अपने लिए बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ ढूंढता था. उसका कहना था कि मैं कभी किसी नीचे पेड़ पर नहीं बैठूंगा, मैं हमेशा एक ऊंचे पेड़ पर बैठूंगा ताकि मुझे सब कुछ दिखाई दे. ठीक है, तो ऐसे ही एक बार उस कौवे ने बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा पेड़ ढूंढा जो कि एक तालाब के पास था. कौवा सारा दिन हर जगह घूमता, अपने लिए दाना ढूंढता, खाना खाता, इधर उधर जाता और फिर शाम को वापस अपने पेड़ पर आ जाता. अब कौवा रोज पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर आराम से बैठा रहता और वहां से पास का जो तालाब था उसे देखता. उस तालाब में बहुत सारे हंस थे. रोज शाम को आसपास के जितने लोग थे वो उस तालाब के पास आते, घूमते, हंसों को दाना डालते, उनके साथ खेलते और बड़े खुश होते. लेकिन जब भी कौवा उड़ के वहां जाने की कोशिश करता तो उसे भगा देते. कौवा इस बात से बड़ा उदास हुआ. कौवे को लगा कि अगर वो जानवर हैं या वो पक्षी हैं तो मैं भी तो पक्षी ही हूँ. उनमें ऐसा क्या है कि सब लोग उनके पास तो जा रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद उनके पास जा रहा हूँ तो मुझे भगा दे रहे हैं. कौवे ने ठान लिया कि मैं इसका रीजन तो पता करके रहूंगा, इसका कारण क्या है ये तो मैं पता करके रहूंगा. तो वो रोज शाम को वहां बैठ करके सिर्फ यही देखता कि ये हंस ऐसा क्या करते हैं कि सब इनके पास आ रहे हैं. बहुत दिनों तक ये चलता था. कौवे ने बहुत सारी वजह जानने की कोशिश करी कि शायद वो उड़ते हैं इसलिए. फिर कौवे को लगा उड़ तो मैं भी जाता हूँ, शायद वो इंसानों के हाथ से खाना खा लेते हैं इसलिए. फिर कौवे को लगा खाना तो मैं भी खा लेता हूँ. इस तरीके से बहुत सारी और चीजें कौवे ने सोची, पर कुछ भी सही बैठा नहीं. लास्ट में कौवे ने ये सोचा कि शायद ये रंग की वजह से है. हंस सफेद है और मैं काला हूँ. कौवा डिसअपॉइंट नहीं हुआ. उसने सोचा कि ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, रंग ही तो बदलना है. अब मैं ये देखूंगा कि हंस सफेद कैसे होते हैं. तो जैसे ही मुझे ये पता लग जाएगा कि हंस सफेद कैसे होते हैं, मैं भी वही चीज करूंगा, मैं भी सफेद हो जाऊंगा. और जब मैं लोगों के पास जाऊंगा तो वो भी मुझे अपने पास आने देंगे. अब अगले दिन से कौवे का पेड़ पर बैठने का ऑब्जेक्टिव बदल गया. अब उसका इंटेंशन लोगों को देखना नहीं था, अब उसका इंटेंशन था हंसों को कि हंस सफेद कैसे होते हैं. अब कौवा सिर्फ शाम को ही नहीं, पूरा पूरा दिन वहां बैठ के सिर्फ यही देखता रहा कि हंस सफेद कैसे होते हैं. उसने बड़ी कोशिश करी पता करने की, लेकिन जो उसने देखा कि हंस तो पानी में ही रहते हैं, यही घूमते रहते हैं, उड़ते हैं, फिर वापस यही आ जाते हैं, ये तो कुछ और कर ही नहीं रहे. फिर कौवे को समझ में आ गया कि ये सारा जादू पानी का है. इस तालाब में जाओ, यहाँ थोड़ा घूमो और तुम सफेद हो जाओ. तो बस कौवे ने डिसाइड कर लिया कि अब तो यही होगा. अगले दिन सुबह सुबह कौवा पहुंचा तालाब के पास. तालाब के पास गया, थोड़ी ठंड तो लगी क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी, तालाब का पानी ठंडा था. पर कौवे ने सोचा कोई बात नहीं, अगर सफेद होना है तो ये तो कर
करना पड़ेगा। और उसके बाद कौवा गया सीधा पानी के अंदर। अब कौवा पानी के अंदर चला तो गया, लेकिन है तो वो कौवा, उसे तैरना तो आता नहीं, तो वो डूबता चला गया। खुशकिस्मती से उसी वक्त एक हंस उधर से गुजर रहा था, जिसने कौवे को डूबते हुए देख लिया। हंस ने फटाफट कौवे को पकड़ा, बाहर फेंका और उसे खूब डांटा कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है तुम ऐसे मर सकते हो, ये पानी तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम जाओ उड़ो, जो करना है करो, यहाँ क्यों आए। कौवे ने जवाब दिया, मैं सब समझता हूँ। आई भाई कौवे ने जवाब दिया कि मैं सब समझता हूँ, ये सब तुम सिर्फ जलन के मारे कह रहे हो, तुम्हें पता चल गया कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ और तुम वो मुझे करने देना नहीं चाहते, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। अब आप बताइए हंस ने क्या जवाब दिया होगा। पहले तो हंस उससे कारण पूछा होगा कि उसे कुछ मालूम था कि हंस उसके हंस के बारे में हुआ क्या सोचता है, पहले कहा जाना होगा, फिर उसके बाद बोला हुआ है तुम बेवकूफ या कि देखते जाता होगा हम तुम्हारे आने से क्यों सोचते हैं, फिर उसके बाद यह हुआ कि हमको ये नहीं करना, जैसे हम प्रकृति बनाया गया है उसके अनुसार सब ठीक है, यही समझाया होगा। ओके, तो समझाने की कोशिश की, वेरी नाइस। और क्या हो सकता है जी, तो क्या हंस ने कौवे को ये बताने की कोशिश की होगी कि इन वजहों से ऐसा हो रहा है, ये तुम्हारे रंग पर बात नहीं है, ठीक है, इंसान की उसकी क्वालिटी जो है वो मायने रखती है, उसका रुख मायने नहीं रखता। हंस जिस तरह का हुआ उड़ सकता है, हंस उड़ नहीं सकता, उसी तरह हंस तैर सकती है तो कौवा तैर नहीं सकता। ओके, सो उनकी अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज हैं, ये हंस ने उन्हें बताने की कोशिश की। और कोई बताना चाहिए क्या कहा होगा हंस ने? हंस ने कौवे से पहले तो पूछा होगा कि तुम क्या समझ रहे हो और किस कारण से ये कर रहे हो। उसके बाद हंस ने कौवे को बताया होगा कि इसमें तुम्हारा दोष नहीं, ये तो लोगों का दोष है जो तुम्हें इस नजरिए से देख रहे हैं। ओके, सो आप सभी ने बिल्कुल ठीक कहा। इसके बाद हंस और कौवे ने खूब सारी बातें करी, जहां उन दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश करी और ये जानने की कोशिश करी कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, उन दोनों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है और यही अच्छी बात है कि वो अलग है। हंस ने कौवे को समझाने की कोशिश करी कि अगर कल को मैं तुम्हारी तरह बन करके उड़ने की कोशिश करूं, तो क्या सच में लोग मेरे पास मुझे दाना डालने आएंगे, मैं इतना ऊंचा उड़ जाऊंगा वो तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से हम सबके अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, अपने अपने डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे, आप डिफरेंसेस खत्म नहीं कर सकते। द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट, एक ही चीज जो एक्चुअल में है वो ये है कि हम सब अलग हैं, हम सब में बहुत डिफरेंसेस हैं, हम चाह के भी एक जैसे नहीं हो सकते, एंड दैट्स द ट्रुथ, और उसे मानना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपसे कोई अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अलग है या वो बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये है कि इस इंसान के पास आपको कुछ अलग सिखाने का मौका है। तो हमें डाइवर्सिटी में नहीं, इंक्लूजन में बिलीव करना चाहिए। इंक्लूजन यानी कि ऐसी सोच जो सबको इंक्लूड करती है, सबको उसमें शामिल करती है। सो जो हंस था उसने इंक्लूजन करने की कोशिश करी, उसने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है,
जज नहीं किया. सो दैट वाज द स्टोरी. थैंक यू.